जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में स्पेशल मैं मैसेज देना चाहूँगा उस भाई को जो उसने मेरी बात नहीं मानी और अपनी मर्ज़ी की और इस हालत में। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा एक दोस्त था, यूट्यूबर था, ठीक है। वो कहता था जी मैं एकदम छलांग मार के ऊपर चला जाऊँ और मैं नोटों की बरसात कर लूँ, यूट्यूब से अर्निंग कर लूँ, इतनी कर लूँ कि बहुत ज़्यादा कर लूँ। तो नाज़रीन, मैंने उसे समझाया भी है कि अपने दम पर करो, जो भी काम करना है मेहनत करते रहो, अल्लाह पाक तुम्हें रंग ला देगा। लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और प्रमोशन के लिए बड़े से यूट्यूबर के पास चला गया, ठीक है। नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूँ, प्रमोशन के लिए बड़े से बड़े यूट्यूबर के पास चला गया जी, उसके लिए मिठाई, कपड़े, सपड़े सब ले कर चला गया। लेकिन आखिर में क्या हुआ, उस यूट्यूबर ने 50,000 मांग लिए प्रमोशन के, ठीक है। ये उसके लिए कपड़े भी ले गए, हर चीज़ ले गई, वैसे ही अपनी उम्मीद लेके और वापसी आ गया। तो मैंने मेरे से, मुझे आप क्या यार, देख इसने दिल में इतनी उम्मीद लेके गया था लेकिन मेरे साथ क्या हो गया। मैंने उसे एक बात ही समझाई थी कि अपने दम पर जियो। बड़े से बड़ा यूट्यूबर है ना, अपने फ़ायदे के लिए, हर बंदा अपने फ़ायदे के लिए सोचता है, ठीक है। रही बात अपने दम पर जियो, जब तक अपने दम पर, यूट्यूब मेरी बात सुनो, यूट्यूब प्रमोशन कराने से वायरल नहीं होती, ठीक है। अपने पर हौसला रखो और वर्क करते रहो। अगर तुम्हें है टैलेंट तो अपना वर्क करते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेगा। बाकी ये सस्ते यूट्यूबर के पास जा के अपना टाइम ज़ाया करोगे तो इस तरह फजूल है, ठीक है। ये मेरा ख़ास तौर पर उस भाई के लिए है, ठीक है। नाम तो मैं उसे नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वो बुरा मान जाएगा, लेकिन मैंने उसे समझाया भी था लाख लाख बावजूद, मैंने समझाया भी था लेकिन वो मेरी बात नहीं माना। फिर आज ये नतीजा उठा रहा है वो। अब वो कह रहा है जो कुछ मर्ज़ी हो जाए अपने दम पर ही मैं वीडियो बनाऊंगा। यही मेरी पहले बात सोच रहे थे। नाज़रीन, कम से कम 5-7 हज़ार रुपये खर्चा करेंगे उसके लिए मिठाई के डब्बे, कपड़े, रुमाल, हर चीज़ लेके गया उसके लिए प्रमोशन करने। जी खुश हो गया, मैं प्रमोशन कराने जा रहा हूँ। जब गया तब उसी ऐसी तैसी हो गई, यार खुदा के लिए खुद मेहनत करो, किसी और के पास क्यों जाते हो, किसी और के तलवे क्यों चाटते हो यार, जब तुम खुद अपने टैलेंट में आगे आ सकते हो तो फिर कैसे किसी की बकवास सुने। हम तो नहीं कर सकते। जी तुम करोगे तो कर लो। आज तकर मैंने, दोस्तों ये सुन लो, आज तकर मैंने, मेरे भी यूट्यूबर दोस्त हैं, मैंने आज तकर ये भी नहीं किया कमेंट्री मेरा लिंक डाल दो, चाहे मेरे व्यूज़ कम आते हैं चाहे ज़्यादा आते हैं, ये बात मैंने आज तकर नोट की ही नहीं है। मेरा शौक़ है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाकी अल्लाह पाक करम कर रहा है, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक इंशाल्लाह ज़रूर सपोर्ट करेगा हमारी। हम ये नहीं कहते कि यार हमारी वीडियो को आप शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो दिल से करे कर ले। एक दफ़ा कह दे जल्द से कर लेते हैं, ये तो नहीं है अब हम अपना काम धंधा छोड़ के प्रमोशन करें। जी हमें यूट्यूब से बहुत अर्निंग मिलेगी, जी हम चले जाएँ। और मेरा भाई अपने टैलेंट, अपने दम पर जियो, किसी और के तलवे मत चाटो, हमारे से तो नहीं हो पता यार, खुदा के लिए तुम भी ऐसा मत करो और अपने दम पर टैलेंट। इंशाल्लाह आज से ना मैं आपको कह रहा हूँ कि वो बंदे की मैं आपको ना लिंक भी दूँगा उस बंदे का अगली वीडियो में, ठीक है। उस बंदे को दिखाऊंगा अभी कितनी उम्मीदें लेके गया था उसके घर के बाहर, जब उसकी बात सुनी 50,000 आँखें बाहर निकल आई और वापसी आ गया। अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो बंदा कौन था, आपने वेट करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है, आप बताना है कि वो बंदा कौन हो अगर आपको कोई चीज़ का इलम हो, क्योंकि वो यूट्यूबर बहुत मशहूर भी है। जब कुछ जाता है तो वो नखरे करके दिखाता है और किसी से वीडियो बनवाने के पैसे लेता है 50,000। देखे यार इतना तो ऊपर तो नहीं उतरा है, कोई फरिश्ता तो नहीं आसमान से उतरा हुआ जो 50,000 वीडियो बनाने के लिए। यार खुदा के लिए तुम भी ऐसा काम मत करो, कोई बंदा दिल से चाह से आपके पास आता है तो उसकी उम्मीदों पर पानी मत फेरो। तो नाज़रीन, मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद जो था आपको समझ आ गया होगा, किसी के प्रमोशन कराने पर, किसी पर जाने पर बेहतर है कि आप खुद अपनी मेहनत करके अपने दम पर आएँ और किसी के तलवे मत चाटें, जो कहते हैं ना तलवे, वो मत चाटें खुदा रहा, ठीक है। अपने दम पर जिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें। जी।